This video is sponsored by प्रमोद दुबे इलाहाबाद। Hey, what's up guys, this is Pruthvi and welcome back to the another video on my channel. मगर क्यों? क्योंकि भाई एक जो व्यूअर है हमारे सब्सक्राइबर उनकी ये तमन्ना थी और उन्होंने कमेंट किया था कि भाई प्ले स्टोर पर वीडियो बनाओ और इसलिए मैंने इसे वीडियो को बनाया। तो उनका नाम है दमनजैन एंड थैंक्स फॉर द कमेंटिंग। और आपके मन में अगर कोई कमेंट हो या फिर कोई सुझाव हो तो भाई नीचे कमेंट करके लिखना, क्योंकि यूट्यूब ने ये फीचर सबको प्रोवाइड करा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम इस यूज़र इंटरफेस की। तो यहाँ पर आपको कई सारे एप्लीकेशंस मिल जाते हैं जो कि काफ़ी सारे एप्लीकेशंस को सेम ही यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर फीचर किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर प्ले स्टोर को हम देखते हैं तो बिल्कुल अलग सा यहाँ पर यूज़र इंटरफेस है। इसे टीवी के लिए पूरी तरह से डिज़ाइन किया गया है और ऊपर की तरफ आपको फीचर्ड ऐप्स दिखाई देंगे। होम ऐप्स और शॉप्स के कई सारे एप्लीकेशंस और कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर यहाँ पर बात करें गेम्स की तो भैया पबजी लवर्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि पबजी आप इसमें नहीं खेल सकते। मगर क्यों? पबजी आप कास्ट करके खेल सकते हो, पहले एक दो दिन दिक्कत आएगी पर अगर बाद में आप खेल सकते हो। तो यहाँ पर नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो हॉटस्टार और जैसी अल्फा म्यूजिक जैसी कई सारी स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। अगर नीचे की बात करें तो यहाँ पर iTunes, इक्वलाइजर, रेडियो जैसे कई सारे जो MP3 प्लेयर्स है और नीचे की तरफ डेली मोशन, रेड बुल टीवी, न्यूज 16 जैसे कई सारे स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी आपको नीचे की तरफ मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी कमाल का लगता है गाइज। यहाँ पर आपको मिलती है अकाउंट सेटिंग्स, रिचार्जेस यानी ऑटो अपडेट के बारे में। यहाँ पर आप ऑटो अपडेट्स भी इसको कर सकते हो, सिंपली आपको इसे अपने ईमेल से लॉगिन करना है। अगर बात करें नेक्स्ट फीचर की तो यहाँ पर भाई काफ़ी बढ़िया है ये अमेज़ॉन एलेक्सा। खैर मेरे पास अमेज़ॉन एलेक्सा तो नहीं है, मगर इसको सेटअप करने के लिए आप नेक्स्ट को दबा कर इसको सेटअप कर सकते हैं। पर आपको दिखाने की दिली ख्वाहिश थी मगर क्या करूँ भाई, मेरे पास ना अमेज़ॉन एलेक्सा है और ना मेरे पास कोई एक्टिव इंटरनेट हॉटस्पॉट से काम चला रहा हूं, भाई क्या बताऊं। सो गाइज यहां पर आपको नेक्स्ट करना है और यहां पर चूज आपको अकाउंट करना है और यहां पर आप जैसे नेक्स्ट करेंगे आपको यहां पर Amazon Alexa से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो भाई नेक्स्ट टाइम जैसे मुझे Amazon Alexa या फिर कुछ मिल जाए तो इसे कनेक्ट करके मैं आपको अपने Instagram ID पर आपको दिखा दूंगा। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। अब बारी है YouTube की। तो YouTube का जो यूज़र इंटरफेस है वो इस TV के लिए काफ़ी ज़्यादा अलग है। यहाँ पर भाई हॉटस्पॉट से चला रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा देर लग रही है, पर यहाँ पर आपको जैसे ही इसके बारे में बता दूँ तो ऊपर की तरफ रिकमेंडेड वीडियोज़ आएंगे जो आप ईमेल अपने लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको इसमें दिखाई देगा। यहाँ पर ऊपर की तरफ है होम बटन्स, जहाँ पर उसके ऊपर है सर्च बटन और यहाँ पर आप इससे टाइप कर सकते हो अपने रिमोट से ही। रिमोट से मतलब ओके बटन दबाकर आप जैसे अल्फाबेट्स है उसको टाइप कर सकते हो। तो ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है यूट्यूब के बारे में, क्योंकि भैया आप जो वीडियो देख रहे हो वो तो YouTube पर ही है ना। अगर बात करें और सारे एप्लीकेशंस की तो नॉर्मल से एप्लीकेशंस है जैसे आप अपने Android में देखते हो वैसे ही। यहाँ पर टॉप कॉर्नर लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है Google असिस्टेंट का सपोर्ट, जहाँ पर इसको जो कॉन्फ़िगर करना काफ़ी आसान है, इसको एक्टिव करना काफ़ी आसान है। सिर्फ आपको एक्टिव इंटरनेट चाहिए और आप इससे भी इससे सवाल पूछ सकते हो जैसे आप अपने एंड्रॉयड में असिस्टेंट चलाते हो। काफ़ी बढ़िया फीचर है, काफ़ी मुझे अमेजिंग लगा। और गाइज इस वीडियो में मैं आपको जो टॉप के एप्लीकेशंस के बारे में बता रहा हूँ। जैसे आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कई सारे ऑप्शंस जो आप देखते हो कंटेंट, वो यहाँ पर ऊपर की तरफ आ जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया है।
तो यहाँ पर अगर अपडेट की बात करें तो यहाँ पर इसको ओरियो की अपडेट आ चुकी है, जहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि 2016 से 2019 तक जितने भी मॉडल्स आए हैं तो किन किन को यहाँ पर अपडेट मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप इन्हें स्टॉप करके वीडियो को भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर अगर बात करें इसके सेटिंग्स की, तो यहाँ पर सेटिंग्स आपको इसके नीचे की तरफ मिल जाती है, जहाँ पर बिल्कुल एंड्रॉयड की तरह इसका यूज़र इंटरफेस है, मगर सेटिंग्स काफ़ी ज़्यादा अलग है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा सेटिंग्स है और मैं खुद भी यहाँ तक इसमें नहीं गया, क्योंकि भैया यहाँ पर अगर घुसा और गलती से भी कोई गलती हो गई तो मेरे पापा आकर मुझे कहेंगे कि ओले 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 मेरा बेटा। इसलिए ज़्यादा मैं सेटिंग्स को नहीं छेड़ता। यहाँ पर आपको पावर, एप्स और स्क्रीन प्लेयर जैसे कई सारे स्टोरेज के जैसे यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको इसका एक ऑप्शन दिखाई देगा अबाउट का, जो कि एंड्रॉयड में भी दिखाई देता है सॉफ्टवेयर अपडेट चेकिंग्स के लिए। तो यहाँ पर हम जाएंगे अबाउट सेक्शन में और वहाँ पर हम चेक करेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट को। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ ही सॉफ्टवेयर अपडेट लिखा है, तो वहाँ पर अगर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाएगी। फिलहाल हम इसे अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि भैया अभी तो हम हॉटस्पॉट यूज़ कर रहे हैं और जैसे ही यहाँ पर नेट हमारा ख़त्म हो जाएगा तो इस वीडियो को कैसे अपलोड करूँगा। तो यहाँ पर भैया अपडेट टॉप राइट कॉर्नर साइड में आपको दिख रही होगी डाउनलोडिंग, पर हम इसे करते हैं स्टॉप। तो यहाँ पर स्टॉप करने के लिए इस पर क्लिक करके हमें इसको स्टॉप कर देना है। तो गाइज, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे भी with the bills with the bills.